स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, हमको रीड करना है, क्या इंस्ट्रक्शन दी है। यहाँ पे हमें आनंद यहाँ पे दिया है कि आनंद जो यहाँ पे लिमिटेड कंपनी है, आनंद कंपनी है, उसने इशू किए 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपीज वाले, ₹10 ईच पेबल एज 10 रुपीज वाले शेयर्स उसने इशू किए। तो उसका जो पेमेंट है वो किस हिसाब से मांगा है कंपनी ने कि ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के समय पर ₹4 कंपनी ने मांगा है, ₹4 एप्लीकेशन के टाइम पे मांगा है। तो यहाँ पर ऑन अलॉटमेंट कितना मांगा है, ऑन अलॉटमेंट ₹3 मांगा है एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 की डिमांड की है कंपनी ने एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने ₹1 की डिमांड की है। तो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किए फॉर ऑल दी शेयर्स, मतलब ऑल दी शेयर्स का मतलब सारा का सारा जो शेयर्स है वो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया वो सारे के सारे है ना सब्सक्राइब हो गए। तो मतलब है ना लोगों की डिमांड आई, एप्लीकेशन आई, पूरी की पूरी 1 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई एंड रिसीव्ड ऑल मनी और कंपनी को सारा का सारा पैसा भी रिसीव हो गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ना तो कोई कॉलिंग एरियस है, ना ही कोई अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो बहुत ही सिंपल एंट्रीज आएंगी यहाँ पे टोटल 8 एंट्रीज आएगी। जैसे कि यहाँ पे ना देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मांगे हैं, अलग अलग 4। तो 4 की आपको पता है कि डबल एंट्री होती है, इसके मतलब दो दो हमको है ना इसके एंट्रीज दिखानी है। तो पहली जो जब भी एप्लीकेशन की है तो उसमें हम है ना पहले है ना जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते अमाउंट, तो पहले हमको पैसा रिसीव होता है तो हमको उस हिसाब से एंट्री बनानी होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो 4 रुपीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो 4 लाख की एंट्री आएगी। फिर यही 4 लाख की एंट्री हमको शेयर कैपिटल अकाउंट में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में हमको ट्रांसफर की एंट्री दिखानी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करके हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद में हमको ऑन अलॉटमेंट पे 3 रुपया। तो अब यहाँ पे पहले ना ड्यू की, यहाँ पे पहले है ना जो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हमको दिखानी होगी। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे हम, और उसके बाद में हम है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की एंट्री लिखेंगे। सेम वे फर्स्ट कॉल के लिए भी हमको क्या करना होगा, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू का हमको एंट्री दिखाना है। तो हम प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और उसके बाद में जो सेकंड एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं 2 रुपीज की, जो 2 लाख रुपीज हो जाएगा वो रिकॉर्ड करनी है हमको। और जो लास्ट ट्रांजेक्शन है ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 रुपी, तो यहाँ पर हम पहले कॉल ड्यू की एंट्री, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद में है ना मनी रिसीव की एंट्री लिखेंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट करके हम लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको टोटल आठ एंट्रीज हम फ्रेम करने वाले हैं, हमको जो जर्नल एंट्रीज लिखनी है वो टोटल 8 एंट्रीज आएगी। तो मैंने इसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो चलिए एक एक एंट्री हम है ना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो कंपनी का टोटल इशूड है, तो यहाँ पर हम इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितना डिमांड किया, इसकी इंपॉर्टेंस है ना आपको बाद में समझेगी कि मैं ये कैलकुलेशंस आपको क्यों करा रही हूँ। क्योंकि जब कॉल इन एरियाज वगैरह आ जाता है तो उस समय पर है ना ये जो कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे फाइनल कॉल वर्ड यूज़ किया तो हम फाइनल कॉल वर्ड ही यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो यहां पर एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने ₹4 मांगा, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹3 और फर्स्ट कॉल के टाइम पे ₹2 एंड फाइनल कॉल के टाइम पे ₹1। यहाँ पे कोई कॉल इन एरियर का केस है नहीं अभी। तो ऑन एप्लीकेशन कंपनी को 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 लाख रुपीज रिसीव होगा। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करने पर, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज करने पर 3 लाख अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव होगा कंपनी को, एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज करने पे 2 लाख कंपनी को फर्स्ट कॉल के टाइम पे रिसीव होगा, एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹1 करने पे कंपनी को 1 लाख रिसीव होगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है। अब हर एक की दो दो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि ओनली आपको याद रखना है एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा रिसीव होता है और फिर है ना शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो अभी वन बाय वन एंट्रीज हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे डेट तो हमारे पास है नहीं, हम नंबर्स डालेंगे। तो फर्स्ट जो एंट्री है हम लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है इसीलिए हम प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। अगर इक्विटी शेयर होता तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मतलब लिखना है यहाँ पे। सॉरी, पहले हमको प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है कि भाई एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे 4 लाख हमने कैलकुलेशन किया है, 4 लाख आता है, तो हम यहाँ पे 4 लाख नोट डाउन कर लेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये रिसीव हो गई एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड जो एंट्री आएगी यही जो इसी से रिलेटेड कि भाई ये वाला जो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का है पैसा, वो एप्लीकेशन का पैसा हम है ना इक्विटी इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो डेबिट क्रेडिट था अब इसको हमको डेबिट कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख टू यहां पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 4 लाख। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ट्रांसफर टू बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, क्योंकि देखिए कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट में हम डालेंगे इसको। ये इंक्रीज हो रहा है, जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट में लिखना होता है, राइट। तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी थर्ड एंट्री किसको लेकर आएगी, आएगी अलॉटमेंट को लेकर। अब अलॉटमेंट की भी दो एंट्री बनेगी अभी, लेकिन अभी क्या है, खाली क्या फर्क है कि एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा रिसीव होता है, फिर उसको है ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम, पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब क्या होगा, पहले ड्यू की एंट्री आएगी, ऑन ड्यू मतलब ये ड्यू है, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, तो ड्यू की एंट्री हमको दिखानी है। तो हम पहले ये वाली जो एंट्री है ये बनाएंगे, खाली फर्क क्या है, ये एप्लीकेशन के जगह पे हम अलॉटमेंट लिखेंगे। अब तो यहां पे लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट 3 लैक्स आएगा, यहाँ पे 3 लैक, 3 रुपया मांगा था अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 3 लैक्स कैलकुलेट हमने किया है। ड्यू की एंट्री, कंपनी ने भाई हाँ ये डिमांड किया कंपनी ने, तो डिमांड करते ही कंपनी ने ना पेएबल वाला मतलब ड्यू वाली एंट्री कंपनी ने लिख दी है, तो यहाँ पे नरेशन लिखेगी कंपनी अपने अकाउंट में कि बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। नाउ फोर्थ एंट्री आएगी कि अब कंपनी को पता है यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि किसी भी बंदे ने दिया नहीं है, सबने दिया है, तो मतलब ये पूरा का पूरा 3 लाख रिसीव हो गया कंपनी को, तो कंपनी बैंक अकाउंट उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा आया किस कहाँ से, तो पैसा आया अलॉटमेंट की वजह से, तो यहाँ पे 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नरेशन में बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन प्रेफरेंशियस। इसके बाद में फिफ्थ जो एंट्री आएगी, अभी 2 एप्लीकेशन की हो गई, 2 अलॉटमेंट की हो गई, अब 2 फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो पहले ड्यू की एंट्री आएगी और फिर रिसीव की एंट्री आएगी, कोई कॉल इन एरियर है नहीं, तो यहां पर पहले लिखेंगे हम प्रेफरेंस शेयर। खाली क्या करना है, अलॉटमेंट के जगह पे ड्यू की एंट्री में, जैसे एप्लीकेशन में ड्यू की एंट्री में हमने मतलब इसकी जो ट्रांसफर वाली एंट्री में हमने एप्लीकेशन वर्ड यूज किया अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट, तो अब हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल वर्ड यूज करेंगे, तो प्रेफरेंस क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स के नाम दिए ना भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना होगा, तो 2 लाख क्योंकि 2 रुपया मांगा एक शेयर के पीछे, नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है। अब हमें रिसीव हो गया है पैसा सारा का सारा, बात वही है कि भाई पैसा रिसीव हो गया है, कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है, तो हमको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब 2 लाख पूरा रिसीव हो गया, 2 प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख बिंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीस है, तो एट द रेट ऑफ ₹2 रिसीव्ड, ये रिसीव हो गया। अब
लास्ट जो दो एंट्री किसको लेकर है, तो वो फाइनल कॉल को, फाइनल कॉल का भी पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है, लेकिन पहले तो हमको ड्यू की एंट्री दिखानी है। तो सेवेंथ जो है यहाँ पे मैं अनटाइडी ना होमवर्क यहाँ पे कॉलम्स इसके, एक मिनट में क्विकली इसकी कॉलम बना देती हूँ। कंटिन्यू कर सकते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पे पहले हम ड्यू की एंट्री दिखाएंगे, तो प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट है वो कितना आएगा 1 लाख, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर पे 1 लाख ही रिसीव होगा ना। नरेशन में लिखेंगे बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 ड्यू। अब पैसा रिसीव हो गया, यहाँ पे कोई कॉल इन एरियर वाली बात ही नहीं, हमने वर्किंग नोट की, रिसीव हो गया। हमको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया कंपनी का टू, कौन से इंस्टॉलमेंट का रिसीव हुआ है तो उसमें क्रेडिट करना है हमको, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। नरेशन में लिख लेना है बिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1 रिसीव्ड, ये हमें रिसीव हो गई है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। टोटल आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, चलता है। बिकॉज अभी हमारे नए टेक्स्ट इसके हिसाब से इसकी जर्नल की एंट्री हमको जो टोटल है वो हमको मस्ट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सम को सॉल्व कर लेना है। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वर्किंग नोट की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्किंग नोट मैंने ये मैंने आपको पर्पसली कराया, क्योंकि आगे जाके इसमें है ना केसेस होंगे कि है ना फर्स्ट कॉल के टाइम पे कुछ कॉल इन एरियर हो गया, सेकंड के टाइम पे कॉल इन एरियर हो गया, तो आपको कैलकुलेशन अमाउंट का सेपरेटली करने आना चाहिए। तो इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।